आम का अचार, आम की लौंजी, आम का छुंदा आपने बहुत बार बनाया होगा, आम पापड़ भी बनाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये वाली रेसिपी ट्राई की है? अगर नहीं की हो तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये सारी रेसिपीज़ को फेल करने वाली है। और ये बिल्कुल कच्चे आम से बनाई है, इसे आप बिल्कुल 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हो। ये बिल्कुल जेली के फॉर्म में बन कर के तैयार होती है और इसका टेस्ट तो कहना ही क्या, बच्चे तो हर रोज़ मांग कर खाएंगे, तो इसे ज़रूर से बनाएँ। तो हेलो एवरीवन, मैं सोना, ऑसम फूड विद सोना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो गर्मियाँ आते ही बहुत सारे कच्चे आम आते हैं, कच्चे आम की कितनी सारी रेसिपीज़ हम ट्राई करते हैं, कभी अचार बनाते हैं, कभी आम की लौजी बनाते हैं, कभी हम आम पापड़ भी बनाते हैं। लेकिन जब मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया तो यकीन मानिए ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे इस आम की सारी रेसिपीज़ इसके सामने फेल लगी। और ये ना मैंने बनाई और 2 ही दिन में ख़त्म हो गई, मैंने सोचा था स्टोर करके रखूँगी। तो ये वाली रेसिपी आप सब ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को पसंद आएगी और ये हेल्दी भी रहती है, क्योंकि मैंने इस तरह से इसे बनाया हुआ है। तो क्या करेंगे, कुछ कच्चे आम ले लेंगे, उनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे, जब बॉयल आने लगेगा ना तो फिर आप कोई बर्तन ऐसा ले लीजिए जिसमें स्टीम अच्छे से ऊपर आ सके। बस इसे ढक कर लगभग 2 से 3 मिनट तक ही स्टीम देंगे। तो अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है, इतनी देर में ही बिल्कुल ये अच्छे से कुक हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैंगो बहुत हार्ड नहीं हुआ है। तो देखिए बिल्कुल 3 से 4 मिनट में ये आसानी से देखिए बिल्कुल जेली के फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे कि एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसे 1 से 2 बार चलाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट पल्प बन करके तैयार हो जाता है। देखिए कितना परफेक्ट पल्प बना हुआ है। तो आप सभी को एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप ये रेसिपी मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। देखिए एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, घी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे तब भी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी। घी डालने से ना इसमें एकदम शाइनिंग आ जाती है। मैंगो का पल्प डालने के बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैंगो बहुत ज़्यादा खट्टे हो तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा शुगर लेनी है। तो मैंने 1 कप चीनी ऐड की हुई है और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, चीनी जब तक कि डिज़ोल्व नहीं हो जाती आपको चलाते रहना है। 1/2 टीस्पून के करीब काला नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब व्हाइट वाला नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अगर आप प्रॉपर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर इतना सफिशियंट है, इसमें ही ये बिल्कुल टेस्टी बनकर के तैयार होती है। और लगभग 2 चुटकी के करीब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर मिलाएंगे, इससे ना इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है और ये वाली कैंडी बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होती है। तो हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं 2 चम्मच, बस 2 चम्मच पानी डालकर घोल कर इसमें मिला देंगे। देखिए ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो आपको सुखाने में फिर देर लगेगी। कॉर्नफ्लोर भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा। तो इसलिए आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर के तैयार होता है। तो थोड़ा सा तीखा चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की हुई है, आप अगर प्रॉपर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए जब ये फ्लेम छोड़ने लगे ना तो फिर ये बिल्कुल बन करके तैयार हो जाती है। अब इसके बाद आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना होगा और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और हम एक कोई परफेक्ट बर्तन ले लेंगे, उसमें बटर पेपर लगा लेंगे, थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे ताकि ये डीमोल्ड होने में आसानी हो जाए। बस अच्छे से सारा ही पल्प इसमें डाल देंगे और इसे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। ये जब सेट हो जाएगा ना तो बिल्कुल देखिए देखने में अभी से ही एकदम जेली के फॉर्म में ट्रांसपेरेंट लग रहा है। तो करीब 4 घंटे मैंने इसे रखा हुआ है और ये देखिए बिल्कुल जेली के फॉर्म में बना हुआ है और ये देखने में ही जितना सुंदर लग रहा है खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप चाहें तो 6 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा तो ये आराम से चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। प्लेट में थोड़ा सा नारियल क्रम डालेंगे और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए देखने में एकदम टेस्टी लग रहा है, मेरा तो अभी से खाने का मन कर रहा है। तो इसे ना जब आप कट करेंगे तो बिल्कुल जेली के फॉर्म में कट होता है, ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है आपस में और ये एकदम टेस्टी बनकर के तैयार होता है।
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एकदम जेली के फॉर्म में दिख रहा है और ये मुंह में जाते ही घुल जाएगा और बच्चे तो रोज़ मांग मांग कर खाएंगे। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ये कच्चे मैंगो की कैंडी आपने कभी ट्राई की है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर।